हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दीपक सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लाइट अप फिजिक्स में। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं चार्ज की। तो पहले स्टार्ट होता है हमारा क्या, किससे, स्टडी ऑफ चार्ज। क्या, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टडी ऑफ चार्ज में बेस्ड ऑन मोशन पे होता है। तो पहला चार्ज एट रेस्ट होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। रेस्ट पे होगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और उसकी स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी, पोटेंशियल की स्टडी करते हैं, पोटेंशियल फोर्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी करते हैं। एनर्जी का भी स्टडी होता है, लेकिन उसको नहीं इसमें इंक्लूड किए हैं। और उसके बाद आता है चार्ज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इस समय चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और तीसरा होता है चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। वेलोसिटी नहीं ज़ीरो होगी, वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रखेंगे तो भी वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो वो क्या इमिट करता है या रेडिएट करता है एनर्जी को, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इसमें स्टडी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। करता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट से कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको यहाँ पढ़ चुके होते हैं। तो सर अगर मूविंग चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है, तो व्हाई वी आर स्टडी ये थर्ड पार्ट कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम आपको बता दें, इसकी स्टडी इस वजह से होती है क्योंकि इसमें वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी होता है। अब इससे और इसमें डिफरेंस इस बात का है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो वेव होता है वो कैरी करता है एनर्जी। तो एनर्जी की वजह से कि ये यहाँ पे तो फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करता है। इसलिए इसकी स्टडी हमें अलग डिपार्टमेंट में करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमने बोला कि स्टडी अब चार्ज है, तो चार्ज को पहले पढ़ लें क्या। पहले अगर हम स्टडी अब चार्ज करने जाएंगे तो व्हाट इज चार्ज है वही पढ़ लें। तो अगली हेडिंग है हमारा व्हाट इज चार्ज। क्या है व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो जैसे किसी भी मटेरियल का या पार्टिकल का, किसी भी मटेरियल या पार्टिकल का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। किसी भी मटेरियल का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, जिसको एज ए डिफिनेशन देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको समझाया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है। 5000 साल पहले भी लोगों को पता था कि जो है चीज़ें चार्ज नाम की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता था कि ये चार्ज ही होता है। होता क्या है क्या कि ग्रीक में जो है उन्होंने एम्बर नाम का सब्सटेंस जब किसी रॉड पे रब करते थे, तो वो रॉड जो है छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर एक्वायर कर लेता था। तो वो छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता, छोटे ऑब्जेक्ट मतलब कागज़ ले लो या थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, पत्तियाँ हो सकती थी, लीफ हो सकते थे, छोटे छोटे सूखे लीफ हो सकते थे, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। और सबसे कॉमन एग्जांपल हो सकता है हेयर, तो हेयर को जो है अट्रैक्ट करता था। तो उनको ये बात पता थी कि ये अट्रैक्ट करता है,
लेकिन ये नहीं पड़ता है था कि इनको हम चार्ज आके जाके बोलेंगे। तो उसी एग्जांपल को फर्दर आगे करते हैं, हम ले लेते हैं एक ग्लास, क्या ले लेते हैं ग्लास, और दूसरा ले लेते हैं क्या प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक का रॉड ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, उसके बाद हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं सिल्क, और या फिर हम बुल ले सकते हैं। अब क्या किया हमने, ग्लास पे इसको रब किया एक बार इसको प्लास्टिक को रब किया, तो ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, क्या होते हैं चार्ज हो जाते हैं। और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लाइक कागज़ पीस ऑफ कागज़ को ये चार्ज हो गया, तो ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कौन ग्लास। सेम हमारे साथ प्लास्टिक के साथ भी हुआ, किसके साथ, प्लास्टिक भी अब चार्ज था तो ये भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, कागज़ के टुकड़े को, पीस ऑफ कागज़। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ और यहाँ पे, ये दोनों क्या किए, अट्रैक्ट किए, किसको, कागज़ को, छोटे छोटे कागज़ को। अब हमने एक अलग एग्जांपल, तीन एग्जांपल लिए, मतलब एक कुछ इस तरह का सेटअप बनाया और उसमें हमने ग्लास को, किसको, चार्ज ग्लास को लटका दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या किया यहां पे प्लास्टिक का, प्लास्टिक वाला रॉड लेकर गए, प्लास्टिक वाला रॉड जब लेके जाते हैं तो इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी हम ग्लास वाला लेकर गए, यहाँ ग्लास वाला लेकर गए, और यहाँ पे ये तीसरा जो है हम प्लास्टिक बांध देते हैं इस बार, प्लास्टिक प्लास्टिक, और इसको प्लास्टिक के साथ लेकर गए। पहले वाले एग्जांपल में हमने ग्लास और प्लास्टिक ले गई, उसको बाद में हम समझाएंगे, दूसरे वाले में ग्लास ग्लास ले गए और तीसरे वाले में प्लास्टिक प्लास्टिक ले गए। जब हम ग्लास ग्लास को लेके गए तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपल हो रहा था, और जब हम प्लास्टिक प्लास्टिक को ले गए तो भी रिपल हुआ। अब चूंकि हमने पहले इन सारे एग्जांपल को देखा, यहां पे कागज क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, लेकिन यहां पे प्लास्टिक प्लास्टिक और ग्लास ग्लास एक दूसरे को रिपल किए, लेकिन यहां पे ग्लास और प्लास्टिक आपस में एक दूसरे को क्या किए, अट्रैक्ट किए। अब क्या थी प्रॉब्लम, दिखी हमें प्रॉब्लम क्या दिखी, कि हमने पहले देखा कि कोई भी ग्लास या कोई भी रॉड, चाहे प्लास्टिक का ले लो या ग्लास का ले लो, जब उसको हम बुल से या सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता चला कि ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हमने ग्लास ग्लास को और प्लास्टिक प्लास्टिक को एक दूसरे के करीब लाया तो रिपल किए, ग्लास ने ग्लास को रिपल किया, प्लास्टिक ने प्लास्टिक को रिपल किया, तो यहाँ से प्रॉब्लम दिखी है। फिर जब हमने ग्लास और प्लास्टिक को लेकर आए तो अट्रैक्ट किया, तो इन सभी को समझाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की मदद से। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि दो तरह के चार्ज यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो ज़्यादा है, निगेटिव कम है, ये मतलब नहीं होता कि वो कम है, उनके मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है, उनके नेचर से। उन्होंने बोला कि अगर एक पॉजिटिव है तो उसका जस्ट अपोजिट दूसरा है, उसको हमने नेगेटिव बोल दिया। ये इन दोनों के प्रकृति नेचर में क्या था, कंप्लीट अपोजिशन था, इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया। तो उन्होंने हमने देखा, बाद में एक्सपीरियंस से पता चला कि ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो ग्लास ग्लास है तो पॉजिटिव, तो ये रिपल हुए। नेगेटिव, ये भी क्या हुए, ग्लास पॉजिटिव, इसको बाद में हम करते हैं,
ग्लास ग्लास यहाँ पे है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रिपल किए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये रिपल किए। लेकिन ग्लास पॉजिटिव प्लस प्लास्टिक नेगेटिव, ये क्या किए, अट्रैक्ट किए। तो वहाँ से हमें पता चला कि लाइक चार्जेस, क्या लाइक चार्जेस, ये क्या है यहाँ पे, लाइक चार्जेस है, ये भी लाइक चार्ज है और ये भी लाइक चार्ज है। लाइक चार्जेस आपस में रिपल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाती है। ये हुआ हमारा चार्ज है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल विच कैन इम्पोज ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, यही होता है चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चार्ज तो हमें पता चला कि जो है एक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करती है। तो आगे चलते हैं कि बेस्ड ऑन चार्ज हम जो है जो मटेरियल्स हैं उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन चार्ज, ये अगला टॉपिक होगा। और अभी हम चार्ज में और भी चीज़ें बताएंगे, लेकिन हम पहले कुछ चीज़ें और चीज़ें बता के फिर हम बेसिकली आते हैं चार्ज पे। तो अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज चार्ज। अब प्रकृति में जितने भी मटेरियल हैं उनको क्लासिफाई करो बेस्ड ऑन चार्ज। तो हमने देखा कि चार तरह के मटेरियल मिलते हैं। पहला जिसको बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर लेटर। तीसरा सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। और चौथा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। चलो आते हैं कंडक्टर को समझाते हैं, ये सब थ्योरी है, आपको याद हो जाए तो यहीं पे काम खत्म हो जाए। कंडक्टर वो होते हैं जिनको हम, जिनमें हम चार्ज को फ्लो कर सकते हैं। मान लो एक मटेरियल ले लेते हैं, ऐसे मटेरियल में क्या है, चार्ज हैं भरे हुए हैं, चार्ज भरे हुए हैं, चार्ज भरे हुए हैं। अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दें, इनको बोलते हैं कंडक्टर। मतलब कि वो पार्टिकल, वो मटेरियल जिसमें चार्ज फ्री लेवल पे, यानी कि चार्ज अवेलेबल हो फ्री टू मूव, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। फ्री टू मूव, अवेलेबल टू मूव फ्रीली, अवेलेबल टू मूव फ्रीली। इसमें चार्ज फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जिनको बोला जाता है फ्री चार्ज टू मूव, ऐसे कर सकते हो, इनको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री चार्ज मौजूद होते हैं टू मूव। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं देर इज़ नो फ्री चार्ज टू मूव। क्या वो चार्ज से नहीं बने होते हैं, सारे मटेरियल चार्ज से बने होते हैं भाई, हम बताएंगे कि क्या क्या है आगे चल के। लेकिन अभी समझो कि वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं सब जो है चार्ज से मिले बने रहते हैं। अगर एटम की बात करें, जितने भी एटम हैं, एटम की बात करें, वो सब चार्ज से मिलके बने होते हैं। उसको आगे फर्दर की स्टडी होगी मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें हमको पता चलेगा कि और भी पार्टिकल हैं जिसमें चार्ज नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को क्लासिफाई किया कि नो फ्री चार्ज अवेलेबल, नो फ्री चार्ज अवेलेबल टू मूव,
टू मूव, मूव करने के लिए कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। ये दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए, एक कंडक्टर हो गया और एक इंसुलेटर हो गया। अब सुपर कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें जब चार्ज को मूव कराया जाए तो कोई एनर्जी का लॉस ना हो, वो कंडक्टर ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है सुपर कंडक्टर में, इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ, इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी देन इट बिकम क्या, सुपर कंडक्टर। तो इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। हाँ, कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन बड़ी एक्सट्रीमली टेम्परेचर पे, वो बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। और सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, इंसुलेटर होता है, हैं? आफ्टर ए सर्टन टेम्परेचर बिकम कंडक्टर। शुरू में इंसुलेटर हो लेकिन एक सर्टन टेम्परेचर पहुंचने पे वो स्टार्ट कर दे क्या, कंडक्शन करना, तो उनको सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से। तो अभी समझ लो कि कंडक्टर वो होते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उनके पास फ्री अवेलेबल चार्ज हो, इंसुलेटर हो किसी भी टेम्परेचर पे कुछ भी हो जाए वो कभी फ्री चार्ज अवेलेबल ना करा पाए, यानी कि उसमें कोई चार्ज का फ्लो ना हो पाए। सुपर कंडक्टर की जब चार्ज फ्लो हो तो कोई एनर्जी का लॉस ना हो, तो उनको सुपर कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लोग क्या हो, इंसुलेटर की तरह ये करें लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे इनमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि फ्री चार्ज अवेलेबल हो जाए, तो उनको कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज बेस्ड ऑन क्या, चार्ज। तो अब इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद अब किसी भी मटेरियल को चार्ज कैसे किया जाता है, किसी भी मटेरियल को चार्ज करने का तरीका, कि अगर मान लो कोई मटेरियल है उसको कैसे चार्ज करें, ये हमारी अगली हेडिंग होगी। तो उसको पढ़ लेते हैं। तो चार्जिंग ऑफ मटेरियल, तो बेसिकली दो तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो उनको किस तरह हम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि एक हम दो मटेरियल ले लें, जो है हम ले लें मटेरियल ले लें, यहाँ पे हम एक ले लें क्या, ये ले लें कंडक्टर और दूसरा हम क्या ले लें, इंसुलेटर। हमें पता है कंडक्टर भी चार्ज का बना होता है, इंसुलेटर भी चार्ज का बना होता है, क्या हम इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों पे चार्ज आ सकता है? बिल्कुल, हम इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है चार्ज करने का, वो होता है बाय इंडक्शन द्वारा। उसको भी हम एग्जांपल से ही समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक गोला है और इसके बगल में भी एक गोला है, ले आए, और हमने क्या किया कि एम्बर का ग्लास जो है, कांच का ग्लास, यानी ग्लास को बुल से या सिल्क से रगड़ के इसको पॉजिटिव चार्ज से, ये ग्लास है, क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया। और जब इसके पास हम लेके जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है, इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को टच करा देंगे, तो यहाँ से जो है सारे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इसको हम हटा दें, फिर इसको हम हटा दें, तो उस पर क्या बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है।
तो अभी हमने तुमको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं बताया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इंडक्शन मेथड द्वारा क्या होता है कि पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मान लो यहाँ पे हम लेकर आए, समझ लो कि यहाँ पे रॉड को पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए और ये स्फीयर हो, तो पॉजिटिव के बगल में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है किसको, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अगर हम इसको अर्थ कर दें तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज, क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। ये इधर से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाके ये सब के सब ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। तो इस मेथड द्वारा हम किसी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला है इंडक्शन, समझ में आया। इंडक्शन वो होता है कि जब एक बहुत हैवी चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर के पास जाता है तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स प्रोटॉन एक दूसरी तरफ हो जाते हैं, मतलब लाइक चार्जेस जो है दूर हट जाते हैं, लाइक चार्जेस पास आ जाते हैं। और उसके बाद अगर एक तरह के चार्ज को हम अलग कर लें हैं, और उसके बाद जब हम रॉड को हटाते हैं तो उस पर सिर्फ एक ही तरह के चार्ज बचे रहते हैं और वो चार्ज हो जाते हैं। तो पहला मेथड है बाई इंडक्शन द्वारा। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये टोटल सिर्फ फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज को हमने रिपल कर दिया और नेगेटिव चार्ज को हमने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये रहा हमारा इंडक्शन, आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। अब आता है हमारा दूसरा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। अब क्या है, हम फ्रिक्शन द्वारा इंसुलेटर, अब क्या है, क्या इंडक्शन द्वारा हम इंसुलेटर को भी जो है चार्ज कर सकते हैं, नहीं, इंडक्शन द्वारा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। अब इंसुलेटर को चार्ज करना हो तो हम बाई फ्रिक्शन द्वारा करते हैं। अब क्या है कि इंसुलेटर राड को भी अगर सिल्क से आप रब करोगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा। वो कैसे होगा, जब हम रब करते हैं तो आउटर स्पेस पे, आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ खा के वो बुल के साथ चले जाते हैं, हो सकता है। तो उसके बाद जब वो चले जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उस पर वहाँ पे बचेंगे सिर्फ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो रब करके हम इनको चार्ज कर सकते हैं। तो बाई फ्रिक्शन द्वारा हम क्या करेंगे, बाई फ्रिक्शन द्वारा हम इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हैं। बाई फ्रिक्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड होता है। तो हमने कंडक्शन किया, फ्रिक्शन किया, अब तीसरा हमारा जो है कॉन्टैक्ट मेथड द्वारा। कॉन्टैक्ट द्वारा हम कैसे चार्ज करते हैं उसको देख ले। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट द्वारा, अब मान लो ये रॉड है हमारे पास, ये रॉड है और हमारे पास पहले से चार्ज क्या है, मान लो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। अब जैसे ही हम इनको टच कराएंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे चले आएंगे और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्टैक्ट मेथड। एक पार्टिकल का कॉन्टैक्ट से दूसरे पार्टिकल, एक रॉड से दूसरे रॉड पे, या कि एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस पे चार्ज का ट्रांसफ़र होना बाई टचिंग इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मेथड। तो हमने, हमको समझ में आया कि एक बहुत एक हैवी चार्ज बॉडी को जब हम इंडक्टर के पास ले जाते हैं तो इंडक्टर बाय कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो इंडक्शन मेथड के वजह से, इंडक्शन की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है। तो एक हमको अलग अलग कर लें तो वो चार्ज हो जाएंगे, या फिर हम दोनों को रगड़ दें, क्या काय कंडक्टर हो या इंसुलेटर को रगड़ दें तो उनको भी हम चार्ज कर सकते हैं, और बाई कॉन्टैक्ट द्वारा। तो ये रहा हमारा चार्जिंग ऑफ मटेरियल, आप सभी को समझ में आया होगा, अपने मन से इसको लिख लेना। अब क्या आता है कि हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया मटेरियल को चार्ज के आधार पे कितने तरह से बांटा जा सकता है, हमने पढ़ लिया चार्ज ऑफ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर या इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज। अब यहाँ से फर्दर स्टडी होगी है चार्ज की। तो पहला है टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या है टाइप्स ऑफ चार्ज। हमारे यूनिवर्स में कितने टाइप के चार्ज मौजूद हैं वो हमारा है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो दो तरह के चार्ज अवेलेबल हैं, पहला है प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ए इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो हम प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ये इसको क्या करेगा रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा इसको रिपल करेगा, और ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है लाइक चार्जेस और ये क्या है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ चार्ज, क्या आता है दूसरी हेडिंग है यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरा है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। पहला है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसको बोलते हैं कूलम, सी से एसआई यूनिट होता है हमारा चार्ज का कूलम। और दूसरा है सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं ईएसयू, इसका मतलब होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ESU। और एक कूलम्ब बराबर होता है क्या, एक कूलम्ब बराबर होता है 2.899 × 10⁻¹⁹ ESU, इतने के करीब हमारा एक कूलम्ब होता है, है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ चार्ज। तीसरा है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो इसको भी यहाँ कर लेते हैं। I करंट बराबर Q अपान T से, तो Q बराबर I का डायमेंशन और T का डायमेंशन, I का डायमेंशन हम एम्पियर लेते हैं, T का AT, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। टाइप ऑफ चार्ज क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, ESU CGS यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है, इनके बीच में ये संबंध है। उसके बाद इनका डायमेंशन होता है क्या AT। अब आता है इसके मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो यूनिट हो गया। अब तीसरी चीज़ है मास, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 2.7 × 10⁻²⁷ नहीं 1.67 × 10⁻⁷ kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³³ kg। अब इसमें इस बात को समझिए, क्या चार्ज मास पे डिपेंड करता है, नहीं, एवरी चार्ज हैव ए
मास. एवरी चार्ज हैव ए एवरी चार्ज हैज मास बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास. पहला चीज. दूसरी चीज है, क्या वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड करता है? नो. चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन मास का वेलोसिटी पे पड़ता है. मास बराबर एम नॉट वन माइनस वी अपॉन सी का स्क्वायर. हमारा मास तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज ना ही मास पे डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, लगभग 10^4 टाइम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और लेकिन ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं करते हैं. इस पर कितना चार्ज होगा दोनों मास पे डिपेंड नहीं करते हैं और वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करते हैं. तो सर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है. अब ये नहीं कहोगे कि माइनस है तो ये कम है, नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. तो मैग्नीट्यूड अगर हम लें, अगर हम मॉड ले लेते हैं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों का क्या होता है? सेम होता है. ये बात समझने की ज़रूरत है. अगर ये बोले कोई प्रोटॉन कितने गुने से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों बराबर होते हैं. कभी भी ज़िंदगी में कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को आप डिफर नहीं करोगे मैग्नीट्यूड वाइज. कहना कि नेचर दोनों का अलग होता है, लेकिन दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम होता है, दोनों सेम अमाउंट के चार्ज रखते हैं. क्या वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड करता है? नहीं. मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. लेकिन चार्ज अपान मास का रेशियो कांस्टेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज. यानी कि प्रोटॉन का ले स्पेसिफिक चार्ज, तो वो 1.6 × 10⁻¹⁹ अपान 1.67 × 10⁻²⁷. ये एक क्या है, एक सिग्निफिकेंट, ये रेशियो एक सिग्निफिकेंट चीज शो करता है. तो वो जब आएगा तो हम तुमको बताएंगे. तो इस वजह से हम इसको मास को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया, इसके मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. ये रेशियो एक सिग्निफिकेंट चीज़ रखता है, यहाँ पे इसके बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम चलते हैं, हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड किसका कितना होता है, नेचर कितना होता है और मास कितने होते हैं. तो अगली चीज़ हमारे पास आता है एडिशन ऑफ चार्ज. अगली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज. यहाँ के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. तीसरा एडिशन ऑफ चार्ज. चार्ज जो है एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है. उसका क्या मतलब है? अगर मान लो 3+ कूलम चार्ज के पास तो -2 कूलम चार्ज को लाओगे तो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज जो होगा यानी क्यू नेट जो होगा वो 3 + -2 = +1 प्रोड्यूस करेगा. इसको समझते हैं.
क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये दोनों मैथ की तरह जुड़ जाते हैं। क्या अगर इनको पास पास रखा जाए, इनके बीच का सेपरेशन कंपैरेटिवली स्मॉल हो, तो ये दो होता है पॉजिटिव को नेगेटिव अपने मैग्नीट्यूड के बराबर ज़ीरो कर देता है। यानी कि अगर प्लस वन कूलम्ब हो और माइनस वन कूलम्ब हो तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक कूलम्ब चार्ज पॉजिटिव है और एक कूलम्ब चार्ज नेगेटिव है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, जीरो कूलम्ब। यानी हमें ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ चार्ज ही नहीं है। इसी वजह से हमारी सारी की सारी मटेरियल्स, यानी कि हमारी बॉडी हो गया, हमारा ये कैमरा हो गया, तुम्हारा पेन हो गया, सब चार्ज होने के बाद भी हमें महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी होने के नाते हमारे जो एटम होते हैं उसमें स्पेस, उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, तो उनके चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। नष्ट नहीं करते हैं, उसको इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। अगर एक को हटा लिया जाए तो दूसरे का इफेक्ट दिखेगा। अगर हम एक को यहाँ से हटा दें तो हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज हमारा दिखेगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता है अपने मैग्नीट्यूड के बराबर। तो जो बचता है, जो मैग्नीट्यूड में एक्सेस होता है, वही उतना ही चार्ज हमें दिखाई देता है। यही वजह है कि हमारे मटेरियल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल के केस में होते हैं, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन और सारे प्रोटॉन जो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जब हम उसको इंडक्शन लगाते हैं तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, तो हमें एक पार्ट बॉडी का, एक तरफ का पार्ट हमें एक चार्ज दिखाई देता है, दूसरी तरफ दूसरे चार्ज का महसूस कराता है। लेकिन जब हम रब करते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज, क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, तो वहाँ पे डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगला इफेक्ट हमारा वही होगा। तो अब चौथी चीज़ क्या करते हैं, चलो कि मान लो एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गए साले, मान लो तीन इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, तो ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने की, तीन की डिफिशेंसी हो जाएगी। तो हमें पता है एडिटिव प्रॉपर्टी से कि मान लो इसके पास n प्रोटॉन थे, हैं, अब क्या हो गए कि इसके तीन इलेक्ट्रॉन निकल के बग गए, ये तीन इलेक्ट्रॉन इसके जीरो होने चाहिए। तो np से पता चला कि -3। अब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो एडिटिव प्रॉपर्टी से पता चला कि इसको न्यूट्रल करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाना पड़ेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, +3 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितने से डिफिशेंसी हुई है np पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ये n नंबर है जो यहाँ से यहाँ चला गया है। अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है n नंबर ऑफ गेन हुआ है। तो n नंबर ऑफ गेन करने पे तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, n into q, और डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की मदद से यहाँ पे q चार्ज हो आएगा n into PE। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों पे तो चार्ज सेम ही होंगे लेकिन दोनों का नेचर अलग होगा। जब गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जब डिफिशियंस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि अगर कोई कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई मटेरियल नेगेटिवली चार्ज है तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी से हमें नंबर पता चल जाएगा और हमें इफिशेंसी, डिफिशेंसी और गेन के हिसाब से हमें उस पर पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज किस पे है। अब अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
या फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। अब अगला है, इसमें चौथा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इसको करते हैं। अब हमने देखा कि जितने भी जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ज अगर किसी बॉडी से हम निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस को तोड़ देने से उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ज अगर किसी पे तुम एक्वायर कर सकते हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन का है। मान लो कोई एक सब्सटेंस है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तुमने, तो ये सबसे पॉसिबल सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज हो जाएगा। तो इस पे एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा और इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर किसी बॉडी पे सबसे मिनिमम चार्ज अगर एक्वायर किया जा सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की या तो हम उस पे गेन करा सकते हैं या तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंस करा सकते हैं, यानी कि उसकी कमी करा सकते हैं। तो टोटल चार्ज को हमने एन इंटू ई किया। क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज पे हम एन नंबर, एन की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगी जो कि प्लस माइनस वन टू थ्री से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्या सर हम आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते? नहीं, कभी भी एन की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती, 3/3 नहीं हो सकती, 4/4 ये नहीं हो सकती। ये गलत है क्योंकि सबसे पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज निकल सकता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6×10⁻⁹ कूलम। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो ये दोनों ले सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है क्योंकि वो आउटर सेल पे होता है, आउटर सरफेस पे होता है, उनके आउटर एरियाज में होते हैं। हम न्यूक्लियस को फोड़ नहीं सकते, फोड़ने पे स्टेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो हम यही निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज हो सकती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल सकते हैं, इससे इसके अलावा हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हमने फर्दर स्टडी में पाया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉर्क्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉर्क्स के बने होते हैं। कॉर्क्स क्या होता है? कॉर्क्स वो एलिमेंट है जिस पे चार्ज की वैल्यू होती है 1/3 या 2/3 प्लस माइनस। ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। इसमें क्या होता है कि टू अप और वन डाउन हो सकता है, और या फिर जो है वन अप टू डाउन हो सकता है, और इनको अप कॉक्स बोलते हैं, डाउन कॉक्स बोलते हैं, और उनकी वैल्यू इस रेंज में होती है। और ये जस्ट सिर्फ जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए, ये स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए इनकी हम स्टडी नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है तो जाके आप थ्योरी पढ़ सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉक्स से मिलकर बने होते हैं, जिन पे 1/3 और 2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से हम उनको काउंट नहीं करते हैं। सबसे स्टेबल जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसी के बराबर हम जो है चार्ज निकाल सकते हैं, और उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये समझ में आया, हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। अब पांचवा हम करते हैं, क्या पांचवा चीज़ हम करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको लिख लो, हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, हम यूनिवर्स में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का
जो चार्ज होता है वो कंजर्व रखते हैं, यानी कि इसका ये मतलब है कि हम चार्ज को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हैं? तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसका मतलब है कि सर समझो कि अगर मान लो तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो हम आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। प्लस क्यू चार्ज क्रिएट करने के लिए माइनस क्यू चार्ज हमको यहाँ से क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। अब ये दोनों मिलके क्या है, कंजर्व है, जीरो है, हैं? तो यही होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। अब उस आइसोलेटेड सिस्टम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसमें से प्रोटॉन बचे, निकाल लिया ना तुमने, लेकिन टोटल तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का तो जीरो ही रहा। तो आप किसी अब ये कहा जाए कि क्या मान लो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, क्या इसको हम कंजर्व कर सकते हैं? नहीं, हमारा कंजर्व होने के लिए टोटल एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, है? एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, हैं? जैसे कि अगर मान लो हम कहें कि एक प्रोटॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके दो क्या देते हैं, फोटॉन देते हैं, तो यहाँ का नेट चार्ज देखो क्या है, जीरो है। यहाँ का नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। खाली पॉजिटिव को नष्ट करना और खाली नेगेटिव को नष्ट करना पॉसिबल नहीं है, है? वो कंजर्व भी नहीं होता है। कंजर्व आपस में क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। तो हमारा इतना ही जो है इस चार्ज में था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन करा के हम इसको ख़त्म करते हैं। हमारा थ्योरी इतना ही था। तो पहला क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन वन कूलम्ब चार्ज, कि एक कूलम्ब चार्ज गेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लो एक ऑन ए मेटल, किसी मेटल पे इतना चार्ज, एक कूलम्ब का चार्ज एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या है, यहाँ से एक कूलम्ब है और Q बराबर होता है N इंटू E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ही हो सकता है। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज मिलके वन कूलम्ब हो जाते हैं, तो N की वैल्यू हो जाएगा वन अपान E, 1.6 गुड़े 10^-19 कूलम्ब। कुलम्ब ने कुलम्ब को मार दिया, अब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 6.67×10^18 इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 6.67×10^18 इलेक्ट्रॉन का जब गेन करेगा बॉडी तब उस पर एक कुलम्ब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर सर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करना हो तो इतने ही इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये है, इतने ही इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका जो मास बचेगा n-me गुड़े 6.67×10^18 ये बचेगा, और यहाँ पे m+me गुड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास गेन करेगा, इसका मास कम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन। अब आता है एडिटिव प्रॉपर्टी और प्लस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन, और ये टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू कि एक आइसोलेटेड सिस्टम था, यहाँ पे प्लस टू सी चार्ज था, प्लस थ्री चार्ज था, माइनस सिक्स कूलम्ब चार्ज था, और उसके बाद हमने कुछ किया, इसको हिलाया डुलाया हैं, इसको हिलाया डुलाया और हमारे पास जो है यहाँ पे फाइव कूलम्ब बचा और यहाँ पे क्यू कूलम्ब बचा। तो इस क्यू कूलम्ब का नेचर एंड मैग्नीट्यूड बताना है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी से हमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा कि टोटल चार्ज इस पर कितना है, प्लस टू सी प्लस थ्री सी माइनस सी तीन दुपहा यानी कि माइनस वन कूलम्ब। इस पर एडिटिव प्रॉपर्टी से पता चला कि माइनस वन कूलम्ब है, इससे एडिटिव प्रॉपर्टी पे हमें क्या मिलेगा, प्लस सी प्लस क्यू, तो फाइव प्लस क्यू। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि फाइव प्लस क्यू बराबर माइनस वन, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसका और ये भी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इन दोनों का चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव बराबर माइनस सिक्स कूलम्ब। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे माइनस सिक्स कूलम्ब का चार्ज है, जिसके को मैच करने पे तो इन पे और इन पे चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और हम लगाए और हमने क्वांटाइजेशन को यूज करके हम चार्ज निकाल के लाए हैं। तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन कराने का यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप जाके कहीं पे भी जो है क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, सायोनारा, थैंक यू वेरी मच।